दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। क्या आपने कभी ये बात सोची है कि जंगल की अपनी एक अलग ही कहानी होती है? जंगल में कोई रूल नहीं होता यहाँ के जानवरों के लिए, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन जंगल में कई ऐसी चीजें भी मिली हैं जिसके बारे में जानकर आपका दिमाग घूम जाएगा। जी हाँ, आज हम आपको जंगल के बीच में मिले कुछ ऐसी ऐसी चीज दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं जनाब, ये बात तो कन्फर्म है। दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया सफर, द मैन हु हाइड इन द जंगल फॉर डिकेड्स। जी हाँ, सोचिए जरा कि कोई आदमी अकेले कैसे बीच जंगल में 10 साल तक रह सकता है। ये काम करके दिखा दिया जापान के एक सैनिक ने। इनका नाम है हीरो ओनोडा, जो कि साल 2014 में पास कर गए। लेकिन दोस्तों, जो काम इन्होंने करके दिखाया वो वाकई में लाजवाब है। बात हुआ ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ये फिलीपीन जंगल में अपने दोस्तों के साथ गए, लेकिन एक एक करके दुश्मनों ने इनके सारे दोस्तों को मार दिया। कहा जाता है कि ये दुश्मनों के साथ लड़ते भी रहे और जिंदा भी बच गए, लेकिन इन्हें भी ये बात नहीं पता था कि आने वाला समय और मुश्किल भरा रह सकता था। जी हाँ, ये 10 साल तक उसी फिलीपीन जंगल में अकेले रहे, जब तक कि इनसे मिलने के लिए जापान का एक दल नहीं आया, क्योंकि ये जंगल में थे, बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता भी नहीं था। ऐसे में दोस्तों ने ये बात पता ही नहीं चली कि युद्ध खत्म हो चुकी है। जापानी दल में इनके बड़े भाई को भी शामिल किया गया था। जी हाँ, जब इन्हें भरोसा हो गया कि वाकई में लड़ाई खत्म हो चुकी है और जापान की सरकार उन्हें अपने घर पर बुलाने के लिए आई है, तब जाकर ये जंगल से बाहर आए। आप समझिए कि क्या महान काम करके इन्होंने दिखाया है। 10 साल तक जंगल में ये अकेले ही पड़े रहे, हिडन जर्मन हाइड आउट इन द अर्जेंटाइन जंगल। दोस्तों, ये घटना साल 2015 की है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस अर्जेंटीना के जंगलों में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो, वो भी इतने साल के बाद। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ का एक जंगल जो कि बॉर्डर एरिया में है, वहाँ पर जर्मनी की सेना ने 1939 में शेल्टर बना रखा था। याद कीजिए आप कि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और ऐसे में दोस्तों जर्मन सेना को लगा कि अगर वो अर्जेंटीना में हार जाते हैं तो छुपने के लिए कोई तो जगह होनी चाहिए। जी हाँ, इसी को देखते हुए यहाँ की सेना ने अपनी पहले से ही तैयारी कर ली थी। हालांकि आपको पता ही होगा कि जर्मन की बड़ी जीत हुई थी और इस 3 बिल्डिंग जो कि बीच जंगल में बनाया गया था उसका कोई यूज नहीं हो सका। हालांकि इन्हीं 3 घरों से बहुत सारे क्वाइन और जर्मन प्रोडक्ट भी मिले थे, जिससे कि साफ हो गया कि जर्मनी का ही ये प्लान था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे अभी बहुत कुछ आना बाकी है। होटल कोस्टा वर्डे, कोस्टारिका। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसा नजारा जिसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होगा। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कोस्टारिका के लोग कितने क्रिएटिव हो सकते हैं? जी हाँ, ये देखिए यहाँ पर कैसे एक प्लेन को इन्होंने शानदार होटल में बदल दिया है। सोचिए कि आज से कई साल पहले यहाँ पर फ्लाइट क्रैश हुआ और अब देखिए कि इस लोकेशन को क्या बना दिया गया है। आज ये वन ऑफ द बेस्ट होटल बन गया है। जी हाँ, बात ये नहीं है कि इसे होटल में बदला है, बात यह है कि इस बीच जंगल में 1965 में बोइंग 727 का एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद ये फ्लाइट बीच जंगल में गिर गई थी। आप समझिए कि कैसे उसके बाद इसे होटल में बदल दिया गया। आज के दिन यहाँ पर हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं और इस जगह का आनंद लेते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर आप रात में पार्टी भी कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आप रात में रुक भी सकते हैं। जी हाँ, 2 बेडरूम बनाया गया है और ये बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा ये बताइए ना कि आप कहाँ से हमारा वीडियो टकटकी लगा कर देख रहे हैं, बताइए जरा, बताइए, बता रहे हैं, वाह वाह क्या बात है। द लॉस्ट स्टोन हेड ऑफ ग्वाटेमाला। वेल, दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि कई बार बीच जंगल में किस तरह की चीज दिख जाती है। जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा था कि किसी जंगल में कभी इस तरह की चीज आपको देखने को मिल जाएगी? जी हाँ, ये है ग्वाटेमाला की जंगल का सबसे रहस्यमयी चीज। ये देखिए कैसे एक इंसान का चेहरा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, है कि नहीं ये शॉकिंग? वाकई में किसी ने आज तक इस तरह की कोई भी चीज नहीं देखी होगी। आपको बता दूं कि इस तस्वीर को सबसे पहले अमेरिका के एक फोटोग्राफर ने देखी थी साल 1987 में। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे ये बड़ा सा चेहरा जंगलों के बीच में दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि इस लोकेशन पर अब कोई नहीं जाना चाहता है क्योंकि यहाँ पर कई बार अजीबोगरीब एक्टिविटी देखने को मिली है। द स्ट्रेंज स्टोन स्फीयर्स ऑफ कोस्टारिका। वेल, दोस्तों आपको बता दूं कि पत्थर तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, ये है बिल्कुल गोल पत्थर जो कि कोस्टारिका में आपको हर जगह देखने को मिल जाते हैं। कहते हैं कि एक इंसान जो जंगल में कोई काम करने के लिए गया था, तब उसने यहाँ स्टोन के बारे में जानकारी हासिल की। जब उसने देखा कि इस जंगल में जितने भी स्टोन थे वो सब के सब गोल ही थे, तो वो शॉक्ड हो गया कि आखिर बात क्या है। हालांकि इस तरह की चीज को देखकर कोई भी चौंक जाएगा, खासतौर पर यहाँ के जंगलों में। क्या आपने कभी सोचा था कि पत्थर कभी इतना गोल भी हो सकता है, फुटबॉल की तरह? दोस्तों, इस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि ये ईश्वर की गेंद है। जी हाँ, यहाँ के लोगों का मानना है कि ये बहुत ही स्पेशल चीज है। लेकिन दोस्तों, आज भी ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो कौन सा साल था जब इसकी खोज हुई थी। सिगिरिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये है श्रीलंका का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन केंद्र। जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरह से कोई अपना महल बीच जंगल में बना लेगा? दोस्तों, क्या है इस महल की सच्चाई, कैसे इसे बनाया गया है,
आज हम आपको बताते हैं। कहते हैं कि 5th century में ही इस महल को बनाया गया था। जी हाँ, साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इस महल को जब बनाया गया था तब कोई इसके बारे में जान ही नहीं पाया, क्योंकि एकदम घने जंगल में बना था। हालांकि आज भी यहाँ पर भयानक जंगल है। कहते हैं कि इस महल को देखने के लिए जो भी आता है वो कहीं खो जाता है। ये बाहर से जितना विशाल नजर आता है, अंदर से और भी ज्यादा क्रिएटिव जगह है। तो दोस्तों, अगर आपको कभी भी श्रीलंका जाने का मौका मिले तो आप इस जगह की यात्रा जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। टेक केयर।